नीतीश कुमार की गठबंधन में बिहार में सरकार तो चल रही है, लेकिन बीजेपी जिस गठबंधन को सपोर्ट कर रही है उसमें बीजेपी नीतीश कुमार को और कितने दिन साथ लेकर चलेगी, इस पर अब तलवारें खींच रही है। दरअसल इस गठबंधन में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। नीतीश कुमार बीजेपी नेताओं की गैर मौजूदगी में विभाग की बैठक कर लेते हैं। नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के मंत्रियों को पूछते तक नहीं है अपनी बैठकों में, तो बीजेपी कोटे के मंत्री अपने कार्यक्रम में नीतीश कुमार और जेडीयू के मंत्रियों को बुलाते तक नहीं है। शुरुआत नीतीश कुमार ने की है बीजेपी कोटे के मंत्रियों को छोड़कर बैठक करने का, और अब बीजेपी ने भी नीतीश को सबक सिखाने के लिए कार्यक्रम तो सरकारी कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को या उनके दूसरे विभाग के जेडीयू कोटे के मंत्रियों को निमंत्रण तक नहीं दे रहा। यह सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। बिहार में वैसे तो एनडीए की सरकार है, बीजेपी के तमाम बड़े नेता यह बातें कर चुके हैं कि बिहार में 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन यह कैसा नेतृत्व है जिसमें होड़ मची है कि सबसे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और बड़े भाई की भूमिका में हम रहेंगे। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के बीच इस वक्त जो जंग है वो नूरा कुश्ती का है। दोनों एक दूसरे से बेहतर परफॉर्मेंस करने में जुटे हुए हैं। दोनों की कोशिश है कि ज्यादा सीटें उनकी आए, ज्यादा सीटों पर उनकी दावेदारी हो, लेकिन यह तब संभव है जब दोनों ही लोगों के बीच में अपनी पहचान और क्रेडिट बना पाएंगे। इसकी शुरुआत देखिए किस तरीके से है। बिहार में केंद्र सरकार के तरफ से बिहटा एयरपोर्ट के लिए मंजूरी देना, बीजेपी को लगा कि जब केंद्र से मिला है तो क्रेडिट भाजपा को जाना चाहिए। नीतीश कुमार को लगा कि बिहार में मिला है और मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए इस मुहिम को सफलता मिली है तो क्रेडिट मुझे जाता है। तो सम्राट चौधरी जो बिहार में नंबर दो के उप मुख्यमंत्री हैं और बिहार में नंबर दो है सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार के जाने के पहले उन्होंने प्रचार करवा दिया कि केंद्र बिहार भीटा एयरपोर्ट देखकर जो मंजूरी दी है इससे बिहार के लोगों का विकास होगा। अगले दिन नीतीश कुमार बिहटा चले जाते हैं बिहटा देखने के लिए, एयरपोर्ट का इलाका देखने के लिए। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी या बीजेपी के दूसरे नेता को अपने साथ नहीं लेके जाते, तो यहां नीतीश कुमार खुद क्रेडिट लेना चाहते थे। नीतीश कुमार यह मैसेज चाहते थे कि यह उनके प्रयास के वजह से सफल हो पाया। दरअसल बिहटा में एयरपोर्ट बनाने का जो प्रक्रिया है या उसके लिए डिमांड पिछले कई सालों से थी। जेडीयू के तमाम नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तारीफ में लंबे चौड़े पोस्ट लिख डाले। अब कई कार्यक्रम की सूची हमारे पास है जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में बिहटा के अंदर जब जेडीयू और बीजेपी आपस में क्रेडिट लेने की होड़ लगा दिए, बीजेपी ने अपना क्रेडिट लिया, नीतीश कुमार अलग क्रेडिट ले रहे थे, उसके बाद पटना में ही 19 सितंबर को एक कार्यक्रम नगर विकास विभाग के द्वारा पटना के बापू सभागार में किया गया। ज्ञान भवन में यह कार्यक्रम था बापू सभागार में, और वहां इस कार्यक्रम में राज्यपाल को मुख्य अतिथि बना दिया गया। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम में नहीं गया और ना ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से सरकार में शामिल कोई दूसरा मंत्री उसमें गया। यह कार्यक्रम पूरी तरीके से सरकारी था, लेकिन इस कार्यक्रम को बीजेपी के रंग में रंगने की कोशिश की गई थी। पूरे कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भर दिया गया, जबकि यह कार्यक्रम नगर विकास विभाग के माध्यम से किया जा रहा था। इसमें राज्यपाल मुख्य अतिथि थे, बिहार के डिप्टी सीएम मौजूद थे, विभाग के मंत्री, पटना की जो मेयर है, जो सभी बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, वो सभी लोग इसमें थे, लेकिन जेडीयू से ताल्लुक रखने वाला कोई भी शख्स नहीं था। और यह जब खबर निकल के सामने आई तो कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार ने क्रेडिट लेने में बीजेपी नेताओं को पीछे छोड़ दिया, लिहाजा बीजेपी ने भी सरकारी कार्यक्रमों से नीतीश कुमार को दूर कर दिया। हालांकि यह अलग बात है कि मंच पर नीतीश कुमार की तस्वीर जरूर लगी थी, लेकिन नीतीश कुमार
या उनके पार्टी का कोई प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। आगे की सूची में आपको बता दें कि इसमें एक और कार्यक्रम हुआ 19 सितंबर को, जब 19 सितंबर को ही पटना में बीजेपी ने जब कार्यक्रम करवाया बिहार सरकार के कार्यक्रम में, जहां नीतीश कुमार और उनके पार्टी के लोगों को निमंत्रण नहीं दिया, तो उसी दिन नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली। नीतीश कुमार ने एक बैठक का आयोजन किया, समीक्षा बैठक। बिहार में जो एक्सप्रेसवे बन रही है, जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसका वो निरीक्षण कर रहे थे, उनमें जो काम हो रहा है उसका वो रिपोर्ट ले रहे थे। प्रोजेक्टर पर तमाम चीजें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिखाया जा रहा था, तमाम अधिकारी विभाग के मौजूद थे, और बिहार में सड़क बनाने की जिम्मेवारी बीजेपी के कंधों पर है। नीतीश कुमार ने यह विभाग बीजेपी को दे रखा है। पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा, जो बिहार में डिप्टी सीएम भी है, उनके कंधों पर है। लेकिन नीतीश कुमार जब समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो उस बैठक में विजय सिन्हा, जो विभाग के मंत्री थे और बिहार में डिप्टी सीएम है, उनकी कुर्सी नहीं लगी थी, वो इस बैठक में नहीं थे। मतलब नीतीश ने झटका दे दिया, बीजेपी के कोटे से आने वाले किसी भी मंत्री को अपनी बैठक, समीक्षा बैठक में नहीं बुलाया। ये कोई आखिरी मौका नहीं था। नीतीश कुमार इसके बाद एक और समीक्षा बैठक कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर, और उसे तो लेकर खूब बवाल भी मचा। दरअसल बिहार के नवादा में जो जमीन के मामले में जो विवाद उत्पन्न हुआ था, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बैठक की, और इस बैठक में, हालांकि बैठक लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर था, लेकिन इस बैठक में जेडीयू कोटे से आने वाले कई मंत्रियों के चेहरे आपको दिखाई देंगे, अधिकारी दिखाई देंगे, लेकिन बिहार में दो दो डिप्टी सीएम है। लॉ एंड ऑर्डर की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिखे। विपक्ष ने तो कहा कि इसमें मुख्य सचिव और डीजीपी तक नहीं थे, फिर नीतीश कुमार किसके साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे? लेकिन नीतीश कुमार ने वो भी बैठक कर ली जिसमें बीजेपी के नेताओं को नीतीश ने बुलाया तक नहीं था। यही नहीं, नीतीश ने एक और बैठक की। ये बैठक नीतीश कुमार ने बिहार में पर्यटकों को ध्यान में रखकर समीक्षा बैठक की थी, और इसमें भी बीजेपी कोटे से आने वाले पर्यटन मंत्री को नीतीश ने इस बैठक में नहीं बुलाया, और नीतीश ने अधिकारियों के साथ बैठक कर ली। अब सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार बीजेपी कोटे के या विभाग के मंत्रियों को अपने साथ मीटिंग में लेकर क्यों नहीं बैठते हैं? दरअसल इसके पीछे जो राजनीतिक जानकार है वो बताते हैं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर हावी होना चाहते हैं। दोनों के बीच इस बात को लेकर जिद है कि कौन सबसे बेहतर और किस पर जनता का ज्यादा भरोसा है, कौन बड़े भाई की भूमिका में आगे बरकरार रहेगा। बिहार में वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक दल बड़े भाई के भूमिका में बनने को आतुर हैं। हालांकि नीतीश के गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात तो बीजेपी के नेताओं ने मान लिया है, लेकिन नीतीश की बात कितना बीजेपी के नेता मानते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। आने वाले चुनाव में यह तय होगा, और अब देखना है कि नीतीश कुमार करवट बदलते हैं तो बीजेपी इस बार सबक कैसे सिखाती है, या बीजेपी नीतीश को सबक सिखाती है तो नीतीश बदला कैसे लेते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।